हाँ वो कर दिया है सहर। अच्छा सुन, मैंने तेरे भैया से ना मानिकपुर दरगाह जाने की बात कर ली है। हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरी डिलीवरी के बाद हम सब वहाँ जाएंगे। अच्छा तू बहुत बातें करती हैं सहर, चल अब जल्दी से घर आ जा और खाना तैयार है, ठीक है? हाँ जल्दी आ जा। ओके बाय। रुक्साना, क्या हुआ? क्या? रुक्साना बेटे, क्या क्या दिन दिखाएगी ये लड़की। मैंने पहले ही कहा था कि ये हमारे अनवर के लिए ठीक नहीं है। तबस्सुम, एक औरत होने के बावजूद भी आप इन हालात में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, बांझ है ये, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने गोद धरी की, पर वो भी इसे संभाल लेने गई। भाईजान, आप भी कैसी हैं? सब ठीक है ना? We have to operate her immediately. Infection can spread. माँ की जान को खतरा हो सकता है। आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दीजिए। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना है। कहीं सहन नहीं करेंगे आप। कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा है, इसी बहाने मरती है तो मरने दे। मम्मी, पीछा छूटेगा इस बांध से। Excuse me, ये emergency room है। आप यहाँ पे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरा बच्चा क्या हुआ है? आप तो रो क्यों रहे हैं? नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। हाफिज साहब के पास है वो अनवर। हाँ, मैंने अभी देखा उसे अपने सपने में। बहुत सुंदर है वो अनवर, पता है आपको? हरी चादर में लिपटा हुआ है वो। अनवर आप रो क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए अनवर, मैं सच बोल रही हूँ। एक बार मुझे मानिकपुर की दरगाह ले चलिए प्लीज। हाँ बेटा, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए प्लीज। हाँ हाँ, मेरी बात का यकीन कीजिए ना, मैंने उसे खुद देखा है। हाफिज साहब मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे उनके पास ले चलिए प्लीज। अब मुझे उनके पास लेके चलेंगे ना? हाँ चलेंगे ना, हम तीनों चलेंगे। एक बार बस तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। अनवर नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। चुप करेगी तू? दिमाग ठीक है तेरा? बच्चे के साथ साथ तेरे दिमाग का भी इंतकाल हो गया है। मरे हुए बच्चे को कहां से वापस कर देंगे हाफिज साहब? अपनी ना नौटंकी करनी बंद कर तू। सुन पुत्र, आपका दूसरा निकाह तो मैं करवा के रहूंगी। नमस्कार, सलाम, मैं शक्ति अरोरा। मन में विश्वास है कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अविश्वसनीय कहानी है पंजाब के एक छोटे से कस्बे मनकपुर में रहने वाली रुक्साना के विश्वास की। रुक्साना अपनी जान से भी बढ़कर अपने हफीज साहब में यकीन रखती थी। मुझे वारिस चाहिए, फिर चाहे कोई जिए या मरे। रुक्साना बेटे, अपनी जिद छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अरे पगली, अब आप मेरा सहारा नहीं,
किसी और घर की नूरे नजर बनेगी। अब आपने किसी और घर को संभालना है, एक नई दुनिया देखनी है। तो हाँ, कल से आप यहाँ भी नहीं आएंगी, समझे? आऊंगी। सुना आपने अब्बू, आप मुझे हाफिज साहब के दर पर आने से नहीं रोक सकते। हाँ, मेरी दुनिया की शुरुआत तो यहीं से होती है और यहीं खत्म हो जाती है। मुझे जो देखना होता है ना, सब यहीं देख लेती हूँ। ये क्या बेटा, आपने फिर से ना बोली? अम्मी, शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ मैं। बरखुरदार, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह गए हैं कि जब जिंदगी का जुआ कंधों पर आता है ना, तो जिम्मेवारी खुद ब खुद आ जाती है। और हाँ, हर कामयाब शौहर के पीछे बीवी का ही हाथ होता है। अब्बू, आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि मुझे आपको संभालना है? सुना आपने? पर जब मैं ही नहीं रहूंगा तब। अब्बू, आजा। अब तो बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि आपका निकाह जल्दी से जल्दी हो जाए। आमीन। मैं दुआ करूंगी कि हाफिज साहब आपकी दुआ जरूर कबूल करें। अनमोल, जूते, आपकी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं हो सकती कि एक जूते उठाने वाली के साथ। अम्मी, चलो। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? लगता है फिर कोई अजूबा हुआ है। क्या कहा आपने? अजूबा? जी आपने सही सुना, अजूबा। What nonsense? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है इस दर पर अजूबे होते हुए। एक बार एक बच्चा बहुत बीमार था, उसके अबू पूरी रात इस दर पर बैठे रहे। सुबह उस बच्चे पर जो चादर उड़ाई गई, उससे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया बिना दवा के। तो हुआ ना ये अजूबा? आपको पता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लेट असर करती हैं। अगर उस बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया होता ना, तो उसका बुखार जल्दी उतर जाता। अजूबा नहीं है ये? सही कह रहे हैं आप। हम इंसानों की नजरों से कहाँ दिखते हैं ऐसे अजूबे। हम इंसानों की समझ से परे है उसकी हस्ती। नजर नजर का फर्क है। हम जैसे मामूली लोगों को ये अजूबा लगता है, और आप जैसों को नहीं। मतलब आप कहना चाहती हैं कि हमें अजूबों के बारे में मालूमात नहीं है? चले भाई जी। नहीं, एक मिनट, इन्हें अजूबों के बारे में कुछ ज्यादा ही मालूमात है। खुदा की कुदरत में हर रोज नए अजूबे होते हैं, बस हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। हम नादान ये भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ जरिया है, करने वाला तो वही है। पर मेरी जिंदगी में तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं अजूबा मान लूं। तो फिर आपको हाफिज साहब से दुआ करनी चाहिए कि वो आपको अपने अजूबों से रूबरू करवाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? जी हमें तो यकीन है
आप चाहे तो आजमा कर देख लें। ठीक है, तो मैं सच्चे दिल से दुआ मांगता हूँ कि आप मुझे एक महीने में कुछ ऐसा दिखा दीजिए कि मुझे आप पे यकीन हो जाए। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आप पे चादर चढ़ाने जरूर आऊंगा, और अगर नहीं भी हुआ ना तो भी मैं आऊंगा आपको ये बताने कि अजूबे नहीं होते। भाईजान चले, अम्मी अबू हमें ढूंढ रहे होंगे। नाम क्या बताया आपने? रुक्साना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, अब जल्दी से निकाह की तारीख निकाल दीजिए। और कितने नाम लिखाएगी बेटा? अभी तो 150 और बचे हैं अब्बू। पर मेरे हाथ थक चुके हैं। इरम जैसी खानदानी लड़की का रिश्ता तय हुआ अनवर के साथ। तुम ऐसा करो, अपने सारी फ्रेंड्स की लिस्ट बना के मुझे दे दो, ठीक है? वो तो मैं बना लूंगी अब्बू, पर शादी ऐसी धूमधाम से हो कि लोग सालों साल याद करें। अरे क्यों नहीं, सब लोग देखेंगे, आखिर हमारे बेटे का निकाह है। भाईजान, भाईजान मुबारक हो, आपकी शादी की तारीख तय हो रही है। अब देखिए, आपने हमसे कहा था ना आप हमें गिफ्ट दिलाएंगे, हमें बड़ा वाला गिफ्ट चाहिए, और हाँ हमें पार्टी भी चाहिए कि हमें अपने फ्रेंड्स को बहुत बड़ी पार्टी भी देनी है, आपने प्रॉमिस किया था हमें। अबू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बरखुरदार, अब कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे बोलने के, इसके बाद तो तुम्हारी शरीके हयात ही बोलेगी जैसी हमारी बोलती है। अबू, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? क्यों? अबू, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अबू, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं नहीं हूं। देखो बरखुरदार, सब कुछ फाइनल हो चुका है, और एक दो दिन में शादी की तारीख भी फाइनल हो जाएगी। शादी ना करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अबू, अम्मी आप समझाइए ना। ठीक है सर। मजाक लगा रखा है, हमारी शादी में हमारी मर्जी नहीं चलेगी। भाईजान चलिए, अम्मी खाने के लिए बुला रही है। मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ। मेरे भाई को गुस्सा आ रहा है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना? मैं क्यों ना हंसू, मुझे भाभी का स्वागत जो करना है। भाईजान वैसे आपके साथ तो सच में अजूबा हो गया ना, एक हफ्ते पहले शादी का कोई नामो निशान नहीं था, और अब देखिए चट मम्मी और पट भैया। वैसे मुझे उस दरगाह वाली लड़की पे यकीन हो गया है, अजूबे होते हैं। अच्छा अम्मी ने खाने के लिए बुलाई, आइए आइए भी। या मेरे गरीब नवाज, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मैं सच्चे दिल से आपसे दुआ मांगता हूँ, प्लीज मुझे इस शादी से बचा लीजिए। सुनिए, वो गाड़ियों का इंतजाम तो हो गया ना? अरे भाई सब हो गया है, सुबह 3 गाड़ियां एयरपोर्ट और 2 रेलवे स्टेशन जा रही हैं। चुप, हिरम की अम्मी का फोन आ रहा है। वालेकुम सलाम। क्या क्या हुआ, तुम चुप क्यों कर गई? अरे कुछ बोलोगी भी कि नहीं? हिरम की अम्मी माफी मांग रही थी। माफी किस बात की? अब ये निकाह नहीं हो सकता। निकाह नहीं हो सकता? हिरम, हिरम किसी लड़के के साथ भाग गई। कौन कहता है हद हो। अरे कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? अब क्या मुंह दिखाएंगे? कमाल करते हैं आप, एक मिनट में पासा पलट दिया।
मान गए आपकी हस्ती को। भाईजान पगला गए, ये किससे बातें कर रहे हो? हाफिज साहब से। क्या खेल खेला ना उन्होंने, अगर मैं उनसे दुआ नहीं मांगता ना तो शायद इरम नहीं भागती। इसे अपनी अच्छी किस्मत कहूं या कोई अजूबा। वैसे भाईजान ये जो कुछ भी हुआ वो आपकी दुआ मांगने के बाद ही हुआ ना, फिर तो ये अजूबा हुआ। दुश्मन देके पढ़ाना पड़ता है। अब देखिए ना, मौका मिला नहीं और सबके सब भाग। माफ कीजिएगा अगर ये मेरी वजह से चले गए तो। लगता है महीना खत्म होने से पहले ही कोई अजूबा हो गया जो आप यहाँ आ गए। मेरी सगाई तय हो गई। मुबारक हो। सगाई शुदा हुआ लेकिन शादी शुदा होने से बच गया। एक हफ्ते में ही सगाई टूट गई। आपकी सगाई टूट गई और आप इतने खुश हैं? हाँ, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो तो मेरी बहन ने कहा कि ये अजूबा है तो मुझे यहाँ आना चाहिए। इस तरह एक हफ्ते में आपकी शादी टूट जाना आपकी बहन को अजूबा लगा लेकिन आपको नहीं, क्यों? सच बताऊं तो अभी आपके हाजी साहब पे पूरा भरोसा नहीं हुआ है मुझे। ये तो वही बात हुई, सूरज की तरफ पीट करके बैठकर उसकी रोशनी को झुटलाना। अनवर साहब, आपके नाम आने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। क्या पता इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मर्जी हो, उन्होंने कोई बेहतर शरीके हाथ ढूंढी होगी आपके लिए। सब उसकी मर्जी से ही होता है। तर्क अच्छा दिया आपने, लेकिन आपके हाफिज साहब पे अभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ है मुझे, तो आप दुआ कीजिए कि मुझे इन पे यकीन हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैं यहां से जाऊंगा नहीं। कोड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाता और तू मेरी मरम पट्टी कर रही है। अल्लाह तेरी सभी मुरादें पूरी करे। शुक्रिया बेटा। हो गया,
आइए हाँ, ध्यान से, ध्यान से, हाँ ध्यान से। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता कि खुदा ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है? जिस काम को करने से आपको रूहानी सुकून मिलता है, वही आपकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। जैसे मुझे दूसरों का दुख दूर करने में खुशी मिलती है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे धरती पर इसीलिए भेजा है। और मैं हाफिज साहब का शुक्रिया करता हूँ कि तुम मुझे मिले। भाईजान, भाईजान आपको पता है ना आप क्या मांग रहे हैं? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस एक बार बात कीजिए, फाइनल बात मैं ही करूँगा। अच्छा रुकिए, मैं आपको, हेलो, एक मिनट में दोबारा फोन करता हूँ। हेलो भाईजान। अबू, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं 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 अनवर बेटे, मेरे पास वक्त नहीं है, अल्लाह का बुलावा आ गया। अनवर वादा कर मेरी रूपकू का ख्याल रखेगा। ला इल्ला मोहम्मद रसूल। अबू, 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 प्लीज उठिए ना अनमर, अबू उठाओ ना अबू, प्लीज उठिए अबू। मुझे मालूम है आप नेक दिल इंसान हैं अनवर, पर आप मेरे आंसुओं पर रहम खा रहे हैं, ये प्यार नहीं है। रुक्साना, मैंने तुम्हारे अब्बू से वादा किया है। मैं आपका वादा खाली नहीं जाने दूंगी अनवर, अच्छे से ख्याल रखूंगी अपना, और हाफिज साहब है ना मेरे साथ, आप इतने बड़े घर के हैं और मैं कुछ भी नहीं। रुक्साना तुम ये बात कह रही हो, तुम तो हमेशा कहती हो ना कि हाफिज साहब के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो फिर आज आप यहाँ भी सही हैं अनवर, पर मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती हूँ। असल बात तो यह है कि मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। रुक्साना ये तुम कैसे कह सकती हो कि तुम किस चीज के काबिल हो किस चीज के नहीं, और वैसे भी हीरे की पहचान कभी हीरे को खुद नहीं होती। ये सब किताबी बातें हैं, खुदा के लिए आप मान जाइए बस। रुक्साना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही हमें पसंद नहीं करती? देखिए अगर ऐसा है तो ऐसी बात नहीं है अनवर। तो फिर कैसी बात है रुक्साना? देखिए हम जानते हैं कि आपसे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती हमें, पता नहीं कैसे यकीन दिलाएं आपको। हम हाफिज साहब को सच्चे दिल से गवाह मान के कहते हैं, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। सलाम मम्मी। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी ऐसा सोचने की, दिमाग खराब हो गया आपका? अम्मी छोटी बहन से पैरवी करवाती हूँ, वो भी एक भिखारन से शादी के लिए? अम्मी आप एक दफा सुन तो लीजिए। कुछ नहीं सुना है मुझे, यहाँ हम एक से बढ़कर एक मिनिस्टर्स की बेटियों के साथ आपकी शादी की बात कर रहे हैं, और वहाँ आप गली की दूर को हमारे माथे पे मरना चाहते हो? होश की दवा कीजिए अनवर, और फौरन यहाँ वापस चले आइए, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। अम्मी
कबूल है। कबूल है, कबूल है। अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, अब इस भिखारन को देख के क्या हो गया? मम्मी ये मेरे मना करने के बावजूद आपकी इतनी हिम्मत है? आपने आपके सिर पे चढ़कर इस लड़की का जादू बोल रहा है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना? अम्मी हिरम से शादी करके मैं कभी खुश नहीं रहता, रुखसाना से शादी करके मैं कम से कम खुश तो हूँ। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी चोरी लड़कियाँ बड़े लड़कों को कैसे फंसाती है। कोई जादू टोना किया होगा। अम्मी देखो बेटा, जिंदगी आपकी है और आपकी खुशी किस में है ये आप अच्छी तरह से जानते। अबू मेरा यकीन मानिए, आप लोगों को तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं, मैं तो बल्कि शुक्रिया अदा करने गया था कि मेरी शादी टूट गई। लेकिन अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ ऐसा लगा मानो खुदा की मर्जी थी, उनका इशारा था। हे अच्छा है, मन मर्जी करो अपनी और बात डाल दो खुदा। अम्मी अब्बू हमें माफ कर दीजिए, अब्बू अनवर बहुत अच्छे इंसान है। चुप कर, अपना ये ड्रामा बंद कर। तू इस घर में तो आ गई है पर इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। अरे भाभी अम्मी तो उबलता हुआ दूध है, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अम्मी बड़ी है ना तो उन्हें पूरा हक है हमें डांटने का। अब्बू हमें माफ कर दीजिए। बेटा तुम परेशान बिल्कुल मत हो, शायद इसी में उस खुदा की कोई रजा है। खैर होना था सो हो चुका, अब तुम अपने शोहर और इस घर को संभालो। संभालते तो सब हाफिज साहब हैं अब्बू, अब देखिए ना मेरा एक घर छूटा तो दूसरा मिल गया, अब्बू छोड़ के गए तो पूरा परिवार मिल गया। तो सब किया ना हाफिज साहब ने, कायनात भी उनकी है और करिश्मे भी और आप और हम भी। खुदा के दर पे प्यार के धागों से बंधे हैं, दो दिलों की चाहत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद इसलिए अनवर की अम्मी 3 साल के बाद भी रुखसाना को अपना नहीं पाई थी, क्योंकि अभी 3 साल बीत चुके थे और अब तो नाते रिश्तेदार भी आशीर्वाद में जोर जोर से यही सुनाने लगे थे कि उन्हें एक बच्चा चाहिए। तबस्सुम भी आए दिन पोता पोती की गुहार लगाती थी, यहां तक कि अनवर की दूसरी शादी की चर्चा होने लगी। और एक पत्नी के होते हुए जब पति की दूसरी शादी की बात होती है तो उस पत्नी पे क्या गुजरती है उसके दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्या है? एमएलए सिद्दकी साहब की बेटी, खूबसूरत है, जहीम है, पढ़ी लिखी है। बेटा प्रॉब्लम क्या है हा? आखिर कब तक हम इस बांझ के बोझ को उठाते रहेंगे? अम्मी अम्मी अब जो कहेंगी ना मैं करने को तैयार हूं, लेकिन दूसरी शादी के लिए मत कहिए प्लीज। पड़ गए ठंडक, माँ और बेटे के बीच में दरार डाल के खुद तो यतीम है, इस घर को भी यतीम बना के छोड़ेगी तू? अम्मी आप रुखसाना को क्यों बीच में बार बार लाती है, इसमें इसकी क्या गलती है? बीच में मैं ला रही हूँ? बीच में ही आ रही है इस घर और इस घर की खुशियों के बीच, और तू लाए इस यतीम को उठा के। सुन ले बेटा, तेरा दूसरा निकाह तो मैं करवा के रहूंगी। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ ठीक चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है मैं रहना से करूँ। वाह बेटा, किसी दिन के लिए पैदा किया था आपको, एक दिन पराई लड़की के लिए आप अपनी अम्मी को छोड़ के चले जाओ। रिश्तों की जरा भी इज्जत नहीं है तुम्हें? रिश्तों का लिहाज वही तो कर रहा था ना, और यही तो सिखाया ना आपने।
एक माँ से बेटे को अलग करके तू कभी खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं। अम्मी, अब रुक्साना को फिर बीच में ला रही। अनवर, अब अम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। सही कह रही है वो। शायद हाफिज साहब का भी यही फैसला, हम इस घर को आबाद होते हुए देखना चाहते हैं, बर्बाद होते हुए नहीं। अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि इस घर को एक बच्चे से नवाजे। रुक्साना, इतने भी अच्छे मत बनो कि ये दुनिया वाले उसका नाजायज फायदा उठाए। मैं कल ही एमएलए की बेटी के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अब ये निकाह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। सना, डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? इन्होंने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया। कुछ नहीं हुआ ऐसे। अनवर की दूसरी शादी का नाम सुनके नाटक कर रही है। ये माँ बनने वाले, मुबारक हो आपको। अनवर, अनवर माँ बनने वाले। भाभी। अच्छा सुनिए, एक बात कहूं? एक क्यों, दो बात कहो। एक बार मुझे मानिकपुर की दरगाह ले चलेंगे? इस हालत में? हाँ अनवर, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हाफिज साहब याद कर रहे हैं हमें। चलेंगे ना, वैसे भी जब अपना बच्चा हो जाएगा तो सबसे पहले तो उनके दर पे ही चलेंगे ना। क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा तो? आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक। हेलो, हाँ ठीक है। तो बहुत बातें करती हैं सहे, चल अब जल्दी से घर आ जा और खाना तैयार है, ठीक है? हाँ जल्दी आ जा। ओके बाय। आपकी वाइफ की जान को खतरा है, इतना लंबा सफर वो नहीं कर सकती। हम संभाल लेंगे डॉक्टर। ठीक है, तो ये एनओसी लीजिए और इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। कल को मेरी या हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर इन्हें कुछ हो जाता है। अनवर, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, अपनी बीवी की सोहबत में रह रहे कि इसका भी दिमाग खराब हो गया है। बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सभी चलेंगे हाफिज साहब के पास, लेकिन मेरी बात मान लीजिए बेटा और ये ऑपरेशन करवा लीजिए। इस जिद में आपकी जान भी जा सकती है बेटा। अल्लाह अल्लाह माफ करे मुझे जो मैं आपकी बात ना मानूं, पर मेरा यकीन कीजिए, हाफिज साहब के पास मेरा बच्चा सही सलामत है। प्लीज प्लीज मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं वहां पहुंचते बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सर, आगे बहुत जाम है सर, लगता है ट्रक पलटा है, घंटों लग जाएंगे जाम में, क्या करें सर?
भाईजान, भाईजान मैप में पुराना हाईवे दिख रहा है, वहाँ ट्रैफिक कम होगा, हम वहाँ से चल सकते। ड्राइवर एक काम करो, पुराने हाईवे से ले लो। लेकिन सर वो रास्ता बहुत खराब है, जगह जगह खड्डे हैं, पेशेंट को तकलीफ हो सकती है सर। आप चलिए वहाँ से। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हमारे बच्चे का ख्याल रखेंगे ना? रुक्साना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुक्साना, मैं बच्चे को तो नहीं बचा पाया लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनवर आप समझते क्यों नहीं है, हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है हाफिज साहब के पास, मेरे यकीन मानिए। रुक्साना हम पहुंच गए। हम पहुंच गए। आराम से, आराम से रुक्साना। रुक्साना संभालो अपने आप को। बेटी रुक्साना। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, मैंने ना एक सपना देखा। बेटी क्या देखा तुमने सपने में? मैंने देखा मेरा बच्चा हरे कपड़े में लिपटा हुआ है। रुक्साना भाभी। अरे कोई है क्या? है कोई डॉक्टर? या अल्लाह जी, मैं नर्स हूँ, इन्हें जल्दी से रूम में लेके चलिए। रुक्साना पुश पुश कीजिए। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता अनवर, मुझे मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा नहीं मर सकता अनवर। हमें सामने मुझसे वादा किया था। कुदरत के कानून भी निराले हैं बेटा। जब तुम यहाँ आई थी कुछ बुदबुदा रही थी, ये बच्चा कल रात ही मिला। कुछ महीने पहले की बात है, एक भिखारन न जाने कहाँ से यहाँ आई और दरगाह के बाहर रहने लगी। कुछ दिन के बाद पता चला कि उसको बच्चा होने वाला है, पता नहीं शौहर था या नहीं था। फिर वो औरत हाफिज साहब और उसके बंदों की मर्जी से यहाँ बाहर जीने लगी और उसने उस रात एक बच्चे को जन्म दिया और मर गई। बेटी अब इसे तुम संभालो। बेटी
हाफिज साहब ने ये जिम्मेवारी तुम्हें दी है। कौन कहता है अल्लाह सुनते नहीं, पैगंबर के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है अल्लाह मिलते नहीं। इंसान खुदा ना बन जाए इसलिए सब कुछ बताया नहीं उसने, पर दुआ में उठे हर हाथ को भी खाली जाने दिया नहीं उसने। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रुखसाना को उसका बच्चा इस तरह मिल जाएगा, पर आज तो ये बात साबित हो गई कि होती नहीं हर मुराद पूरी, लेकिन खाली कोई दुआ नहीं जाती। खुदा का जवाब भी कभी ना होता है, क्योंकि हमसे बेहतर उसे पता होता है। अब मैं शक्ति अरोरा आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक आप अपने दिलों में दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम की भावना रखें, अपने विश्वास को और कायम बनाएं, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता, पर फर्क बहुत पड़ता है। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।